So, I think we have to start. Permission है? Permission granted? यस सर। Okay. Okay. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको. अब आप ध्यान से पहले एक चीज देख लीजिए, स्नैपजिन में कैसे करना है. पहली बात तो आपको जा करके आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है, स्नैपजिन को. ठीक है, स्नैपजिन आपको डाउनलोड करना है और इसमें खेलना है और नथिंग एल्स. यू हैव टू जस्ट प्ले, इट्स अ गेम. ओके, सो ओके हम अब स्टार्ट करते हैं स्नैपजिन देखने के लिए. ठीक है, स्नैपजिन कैसे दिखाई देता है और कैसे काम करता है. ठीक है, फिर से हम वहीं लेके चलते हैं जहां से हमने आपको गलती और सही जो दिखाई थी वो हम आपको दिखाएंगे. ठीक है, पहले इसको ध्यान से देखिए. जो भी कोई पर्सन एक्स है, इसने क्लोन किया. वो पर्सन एक्स मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो सो आप ध्यान से देखो. यार मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा, सब क्यों नहीं आ रहा, छोड़ो लिव इट. सो ध्यान से देखो इसको कि ये टर्मिनेटर सीक्वेंस है, और टर्मिनेटर सीक्वेंस के नीचे किसी ने इसको कर दिया. ठीक है, तो एक टर्मिनेटर सीक्वेंस है और यहाँ पे हमारा प्रोटीन सीक्वेंस है. इसीलिए यह क्या हुआ कि अगर ये बनेगा भी तो किसी काम का नहीं है, इजेंट इट. यह प्रोटीन जी का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो इसको कैसे क्लोन करोगे? तो सबसे पहले देख रहे हो बगल में, जब इसको खोल रहे हो ध्यान से देखो, जब इसको खोलोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा. ऐसे वेक्टर आपको डाउनलोड करना है, तो अपने हिसाब से उसको आप वो कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो. ठीक है, इतना आपको यहाँ ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम कभी मिलेंगे तो आपको सिखाएंगे कैसे इसे मॉडिफाई कर सकते हो. बस ये समझो कि तुम्हें प्रमोटर जिस ओरिएंटेशन में है उसी ओरिएंटेशन में जीन को भी डालना है. ठीक है, यस अब आपको यहाँ देखिए लिखा होगा न्यू, दिख रहा है कोने में एरो दिख रहा है. न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू डीएनए फाइल खुल के आ जाएगा ऐसे. ठीक है, अब क्या करना है कि पहले मैं बता देता हूँ कि इसको मैंने क्या किया है. क्या है, पूरा सेगमेंट आप जहां से भी हो यहां से आप इसको क्या करो, कॉपी करो. सीक्वेंस को आप कॉपी कर सकते हो, वहां तक कॉपी करो जहां तक आप का सीक्वेंस क्लोन करना है. ये प्रमोटर रीजन तक क्लोन कर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ND1 से क्लोन किया है. क्यों ND1 से क्लोन किया है, इसको दिखाने के लिए हमको थोड़ा सा आपको अलग लेके जाना पड़ेगा अपने क्रोम पर. ठीक है, आइए. और आपको मैंने कहा था ना कि आप इसके इस वेक्टर में आप क्लोन करना चाह रहे हो, तो आप वो टाइम यूज कर सकते हो जो कि नॉन कटर. तो आपको मैंने रिस्ट्रिक्शन मैपर पे दिखाया था कि देखिए ND1 कहाँ है, नॉन कटर में आता है ना, वो सीक्वेंस का नॉन कटर में ND1 और XHO1 भी है. तो हमने ये दोनों एंजाइम को ओके कर दिया, ND1 को और XHO1 को. आप किसी को भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यह याद रखिएगा कि ओरिएंटेशन सही होना चाहिए. ठीक है, यहाँ तक डन है. हमने ND1 को लिया है और XHO1 को रिवर्स में लिया. ठीक है, अब आ जाइए इस फाइल पर. न्यू फाइल पर आ जाइए, दिख रहा है आपको न्यू फाइल. अब क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे पूरा सीक्वेंस को, और आप ले लेंगे. थ्रोम्बिन साइट यहाँ पर खत्म हो रही है और आपका मेथियोनिन तक स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ तक का सीक्वेंस क्या है, वेक्टर का है. देख रहे हैं, ATG से पहले जो भी सीक्वेंस है वो वेक्टर का सीक्वेंस है. आप एज इट इज क्या करोगे, उठा लोगे, ऊपर तक कॉपी करोगे. दिख नहीं रहा सर। न्यू फाइल दिखेगा भैया. अच्छा, वो देखना चाहते हो हम कैसे कॉपी कर रहे हो, तुमको न्यू फाइल पर रखा हुआ है ना. रुको, वो दिखाओ हम.
अब दिखने लगा। हाँ ये देखने लगा, मैंने वही कॉपी किया है जहां से हमारा पूरा दिन शुरू हुआ है। देखो फिर से हम करके दिखाते हैं। देखो ये जो सीक्वेंस है मेथोनीन का है, तुम्हारा अपना फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसके ऊपर का सीक्वेंस क्या है, वेक्टर का सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है वेक्टर का सीक्वेंस है, दिख रहा है। अब इसके जितने भी ऊपर के सारे सीक्वेंस है तुम क्या करोगे, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करोगे और न्यू जो फाइल आया है उसमें उसको पेस्ट कर दोगे। अब तुम कहोगे मुझे नहीं दिख रहा है, तो फिर से हमको यहाँ पे आपको चेंज करके न्यू फाइल पिलाना पड़ेगा। कहाँ गया न्यू फाइल, न्यू डीएनए फाइल से। अब देखो न्यू डीएनए फाइल वाला, इसमें वही कॉपी किया हुआ सीक्वेंस है। पाठक जी, इज इट ओके फॉर यू? यस सर। आपने पूरा वो सीक्वेंस जहां तक आपका वेक्टर का सीक्वेंस है, यहाँ पे वेक्टर का ही सीक्वेंस है, ठीक है। फिर से आप वापस लौट आओ। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने फाइल पर जाओगे। अगेन आई एम शेयरिंग यू द बर्ड फाइल, जहाँ पे आपका वो है सीक्वेंस है, दिखा एटीजी टू टीजे। अब इसको आप कॉपी कर लोगे। अब मैं कहता हूं कि टीजीएन मत लो, क्यों अभी बताते हैं आपको। वो स्लाइड दिख रहा है, न्यू डीएनए फाइल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया है, ठीक है, दिख रहा है। नीचे आ गया आपका पूरा सीक्वेंस, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर चले जाओगे वेक्टर पे। आधी चीजें आपको दिख नहीं रही होंगी, हमको बार बार चेंज करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक तुम क्या करोगे, एसपीएल जीन आपने क्लोन कर लिया पूरा। अब क्या करोगे, अब XHO1 की साइट है और यहां से आप उसका पूरा सीक्वेंस जो भी है वापस फिर उसमें कॉपी कर लोगे। और फिर उस डीएनए वाले फाइल में आप क्या करोगे, डाल दोगे न्यू डीएनए फाइल। बस आपको ये खेलने का है। अब इसको पेस्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आप नाम लिखना चाहे नाम लिख सकते हैं, जितने फीचर्स हैं उसे आप ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीन जा रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। देखिए तो ये आपको चला गया। अब कहिएगा कि हमारा जीन कहाँ पे है, वो जी जीन आपका कहाँ पे होगा, सीक्वेंस में जाइए, ठीक है। आपने कहाँ पे डाला था, XHO1 के जो ऊपर जो है वो आपका क्या है, यहां तक आपका जीन का सीक्वेंस है। XHO1 था ना लास्ट में, तो XHO1 के सामने ये जो जीन का सीक्वेंस है आपका पूरा, आपको दिख रहा है जो हम सेलेक्ट किए हुए हैं।
हेलो, ये हाँ सर, दिख रहा है जो नया स्लाइड जो भी खुली है, जो बंद करके आया है पॉपअप मेनू मैप, वो दिख रहा होगा ना आपको? हाँ ठीक है। सो आप इसमें आपको अपने जीन को क्या करना है, मार्क करना है। तो आप प्रमोटर खोजिए, ये देखिए राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, ऐसे पढ़े होंगे ना। यस और ये देखिए आपका है प्रमोटर, और ये है आपका एटीजी, दिख रहा है? एनडी वन साइड से आप, सर। ये आपका एटीजी स्टार्ट साइड। तो आप क्या चाहते हो, इसको आप मार्क करना चाहते हो। 154 से पहले तक आपका जीन है, तो यहाँ पे आप जाएंगे ऐड फीचर्स में, जाएंगे ऐड फीचर्स में, जाएंगे फीचर्स का नाम, ये क्या है, कौन सा जीन है, SPL7 नाम लिख दोगे। अब यहां से तुमसे पूछ रहा है कि क्या है CDS, तो CDS मार्क कर दोगे। चाहोगे तो अपने मन से कलर भी चूज कर सकते हो। श्वेता, विच कलर यू वांट? चलो रेड कर लेते हैं। ओके, रेड कलर में भी हो सकता है कोई सेगमेंट ऑलरेडी वेक्टर का हो, तो इसको कोई और कलर कर लेते हैं। ठीक है, बदल लिया। चलो, और कलर बदलना चाहो तो और कलर भी बदल सकते हो, जो कलर आपको इच्छा करे आप इसमें से चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही इसको आप क्या करोगे, ओके करोगे, देखो लिख के आ गया वो सारा जगह SPL7 लिख के आ रहा है, जितनी बड़ी सेगमेंट है। समझ में आया? ये आपका प्रमोटर रीजन है, ये आपका जीन है। अरे देखिए, हमने TGA क्यों हटाया? आप कहोगे ना कि TGA मैंने क्यों हटाया, मैं ये भी हिस्स चाहता हूँ और ऊपर वाला भी हिस्स चाहता हूँ। ध्यान से देखो, ये प्रमोटर है ना, जब आप देखोगे ऊपर जाकर के, तो PET28B में दो हिस्स हैं। देखो, प्रमोटर के सामने 6 हिस्स कोडोन, 6 दिख रहा है, ये प्रमोटर है, इसके सामने 6 हिस्स कोडोन है, हिस्टिडीन टैग है, दिख रहा है? यस सर, और यही हिस्टिडीन जो है नीचे भी है, देख रहे हो, दो जीन के नीचे। तो वी वॉन्ट बोथ हिस्टिडीन। वाई हिस्टिडीन? बिकॉज हिस्टिडीन इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन। NINTA जो बीड होता है वो हिस्टिडीन टैग को ही पकड़ता है। दिस इज ए टैग, हिस टैग। ठीक है, समझ बात आ रही है हमारी? अब प्राइमर कैसे बाइंड करेगा, नहीं करेगा, वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है पूरा अच्छे से? ठीक आप देखिए, एक प्राइमर जैसे आपको हम दिखाते हैं कि प्राइमर बनाने में हम लोग क्या क्या करते हैं। ये डॉक्यूमेंट फाइल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ दोबारा, सो तो दैट आप समझ सको। दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट? यस सर। इसमें कलर सेगमेंट आपको दिख रहा है? हाँ अब देखिए, हम कैसे फॉरवर्ड प्राइम और रिवर्स प्राइम में बनाते हैं। एक कॉपी करो स्नैपजीन के अलावा, एक और टूल है प्राइमर एक्सप्रेस, जो कि अवेलेबल टूल है।
पुराना वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको वेस्ट करोगे, पेस्ट कर रहे हैं। आप देखो ये टीएम है, जीसी कंटेंट है, लेंथ है। हेयर पिन दिख रहा है आपको? नहीं। सेल्फ टाइमर दिख रहा है? नहीं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइमर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो यहाँ पे। ऐसे मानोगे कि कोई प्राइमर सही है, उसके दो तीन रीजन है। टीएम जो होता है, टीएम क्या होता है? अच्छा हाँ, वो जिस पे, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी टेम्पलेट से प्राइमर बाइंड करे, ठीक है, तो टीएम वो होता है जिससे टेम्पलेट से प्राइमर बाइंड करे। जीसी कंटेंट 35% से ऊपर होता है तो हम उसे ओके कर देते हैं। यहाँ पे 48% है, दैट इज गुड। फिर हेयर पिन से क्या समझते हैं? तो आपको हम इसको समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं। दिवांग सुनाई दे रहा यस सर, यस सर। है? ये प्राइमर तुमने बनाया, ठीक है, तुमने क्या किया, प्राइमर बनाया और वो प्राइमर ऐसे हो गया। यहाँ पे ए था, यहाँ पे फिर टी बन गया। अभी मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे सी है, इसके नीचे जी बन जाए, तो आपस में घूम के ऐसे हेयर पिन बना लेगा ना। तो प्राइमर में हेयर पिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई प्राइमर है तो वो सेल्फ डाइमर ना हो जाए, यानी कि अपने से ही बाइंड ना कर जाए। जैसे प्राइमर है, अपने से ही बाइंड कर लेगा, तो जब आपस में ही बाइंड कर लेगा तो टेम्पलेट से कैसे बाइंड करेगा? ये टेम्पलेट है तुम्हारा, ये प्राइमर को बाइंड कराना है। ये अगर आपस में ही बाइंड कर जाएगा तो ये टेम्पलेट से कैसे जाके बाइंड करेगा? तो सेल्फ डाइमर भी नहीं होना चाहिए, और प्राइमर में क्रॉस डाइमर भी नहीं होना चाहिए। जब दो प्राइमर बनाते हैं तो उसमें क्रॉस डाइमर भी कम होना चाहिए। अब क्रॉस डाइमर होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी अवॉइड करते हैं। इसलिए जब आप देखोगे यहाँ पे, हाँ प्राइमर एक्सप्रेस पे तो तीन चीजें दे रही है, हेयर पिन दे रही है, सेल्फ डाइमर दे रहा है और एक क्रॉस डाइमर दे रहा है, जो कि अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आपने रिवर्स प्राइमर इसमें ऐड ऑन नहीं किया है, ठीक है। समझ तो बात आ रही है यहां तक? प्राइमर बनाने के लिए ये तीन चीजें देखनी पड़ती है। टीएम, टीएम क्या होता है? टेम्परेचर एट विच प्राइमर बाइंड टू द टेम्पलेट। जीसी एंड लेंथ, लेंथ कितनी होती है एक प्राइमर की? 18 से 25 मिनिमम, मैक्सिमम इसी के बीच में होगा, उसको सही प्राइमर माना जाएगा। बहुत बड़ा प्राइमर बना दोगे तो भी जाके टेम्पलेट से बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्राइमर हो गया। अब तुम्हें समझाने के लिए कि कैसे हेयर पिन बनता है वो दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। सपोज हमने एक प्राइमर उठा लिया और यहाँ पे फिर से पेस्ट किया है, देखो हेयर पिन बन गया। इवांग टी ए से पेयर कर गया, सी ए जी से पेयर कर गया, टी तो ये उल्टा हो गया, प्राइमर घूम गया। देखो सेल्फ डाइमर भी जबरदस्त बन रहा है, लेकिन ये ओवर हैंग अगर दे रहा है तो इस केस में थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं और हम फिर इस तरह के प्राइमर को ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट सुटेड प्राइमर नहीं है। इसमें और क्या क्या कमी है कोई बता सकता है? टेम्परेचर इज टू हाई, 68। 68 टेम्परेचर क्या हो गया? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर पता है ना कि जो प्राइमर का जो जो अलिंग टेम्परेचर है वो 65 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 65 से नीचे ही होना चाहिए मेरे केस में। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में डालोगे तो 60 के ऊपर ही ये बैन करता है, इसलिए वहाँ पे रेड कलर के आता है, ठीक है। 65 तक है तो हम ओके करते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीआर में क्या होता है, हाउ मेनी स्टेप्स इन पीसीआर, कौन बताएगा? डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक और, तीन स्टेप होते हैं।
भैया हमारे बच्चे बोल रहे हैं क्या? श्वेता, हाउ मेनी स्टेप्स इन पीसीआर रिएक्शन? इनिशियल डिनेचुरेशन, देन डिनेचुरेशन, देन एनिलिंग, एनिलिंग, देन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, होल्डिंग, फाइनल एक्सटेंशन, देन होल्ड। क्या यार, इनिशियल डिनेचुरेशन, देन डिनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, और यहाँ से जो ये तीन स्टेप्स हैं जो कि अभी नीरज मौर्या जी बता रहे थे हमें, तीन स्टेप, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, ये रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। 35 साइकिल, वॉट एवर साइकिल यू वॉन्ट टू मेड यू कैन डू मैन 35 साइकिल। ओके, सो इनिशियल डिनेचुरेशन एक बार देते हैं, फाइनल एक्सटेंशन बाद में देते हैं। एनिलिंग टेम्परेचर ही पे टेम्पलेट से जा करके क्या करता है, आपका प्राइमर बाइंड करता है। इस यहाँ पे कितना एक्सटेंशन, क्या टेम्परेचर है, 72, तो इससे 65 जो है, ठीक है, 65 मोर और लेस, इससे ज्यादा और कम नहीं रख सकते, ठीक है। तो 65 और 72 में अभी भी डिस्टेंस है, इसीलिए 65 से ऊपर हम एनिलिंग टेम्परेचर नहीं रख सकते हैं। समझ में बात आई हमारी? हेलो, यस इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। इसीलिए हम सर, अभी तक अभी जो हमने आपको दिखाया कि 65 से ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि 65 से ऊपर क्या होता है, एक्सटेंशन टेम्परेचर स्टार्ट हो जाते हैं। 70 तक हमने प्राइमर का टेम्परेचर रखा है और वी गॉट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स कभी भी मिल सकता है, और ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं जब आप प्रैक्टिकली किसी काम को परफॉर्म करते हो, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं काम आती हैं, ठीक है। तो अब कोई नहीं बोलेगा ना, तीन स्टेप होता है पीसीआर में। पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं? पांच पांच स्टेप्स सिक्स स्टेप्स। होल्ड को कौन गिनेगा? होल्ड भी तो है 4 डिग्री। 4 डिग्री अगर आप कर रहे हो तो क्या है, शॉर्ट स्टोरेज है, मैंने थोड़े देर में के लिए आप होल्ड रख सकते हो 4 पे। लंबे समय तक रखना हो तो कितना रखते हैं, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो कि चाय पीने चले गए बाहर, पीसीआर लगा के 2 घंटे बाद आना है। अब तुम्हें पता है कि पीसीआर हमारा 1-1.5 घंटा पहले ही हो गया, फिर भी हमने छोड़ दिया। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड छोड़ रहे हो तो टेम्परेचर क्या रखोगे, 12 नॉट 4, बिकॉज थर्मोसाइक्लर इज नॉट ए फ्रीजर। 4 तो बहुत ज़्यादा कूल होगा ना, तो ज्यादा कूल टेम्परेचर पे डीएनए नहीं रखते हैं। प्रांजु सर, 65 के क्यों नहीं रखते, एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। मैंने यही तो बताया कि एक्सटेंशन टेम्परेचर पर आपका, एक बार फिर से बताइए सर, आई डोज्ड ऑफ। ओह माय गॉड, गुड। सो मैंने बोला कि पीसीआर स्टेप्स में 6 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इनिशियल डिनेचुरेशन, फिर होता यू है डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जस्ट जस्ट एक्सटेंशन। दैट पर्टिकुलर स्टेप आई मिस्ड। ओके ओके, ओके तो अनलिंग टेम्परेचर जो होता है वो 65 से ऊपर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 72 आपका एक्सटेंशन टेम्परेचर है, इसे तो नीचे ही रखोगे ना। राइट 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 तो ओके दैट्स व्हाई ओके यू योर प्राइमर रीजन। टेम्परेचर इज नॉट मच मोर हायर देन एक्सटेंशन टेम्परेचर, बट इन एक्सट्रीम आई हैव डिड दिस ऑन 70 वी गॉट एम्पलीफायर origin that I will not disclose here. So Yeah, there's a procedure, there's a protocol for two-step PCR where the annealing and extension are the same, and even I did that once and got a very faint band, but that yeah, didn't help. that's why, वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो यही है। इसलिए सॉफ्टवेयर ना 60 से ऊपर जैसे ही आप जाते हो प्राइमर एक्सप्रेस पे, तो आपको क्या दिखाना शुरू करता है, डेंजर, रेड रेड दिखाता है। अभी आपको दिखाते हैं कि अभी आपको, आपने देखा होगा ना कि अभी जो मेरा 68 टेम्परेचर दिखा रहा है, अभी इवन हम ए वाला जो हम प्राइमर पहले प्रोसीड किए थे, ध्यान से देखिए, जब हम इसे स्नैपजिन सॉरी प्राइमर एक्सप्रेस पर डालते हैं
तो ये 60 दिखा रहा है, 60 भी रेड दिखा रहा है, देख रहे हो इवांग, देख यस सर, रहे हो ना 60 टीएम भी यस सर, रेड दिखा यस रहा सर, है। इसको एक बेस पर कम करें, ये भी रेड दिखा रहा है, पता नहीं इसको क्या होगा, कंट्रोल सेट। ओके टीएम ज्यादा कम भी नहीं रखते, ज्यादा ज्यादा भी नहीं रखते, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं 65 इज ओके, 65 तक कोई दिक्कत नहीं होता, 60 65 बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्राइमरी इज, देयर इज नो हेयर पिन, देख रहे हो हेयर पिन नहीं है, सेल्फ डायमर भी नहीं है, सो दिस इज द बेस्ट प्राइमर फॉर योर एम्पलीफिकेशन, ठीक है। ये सारा मैंने बता दिया, हेयर पिन भी नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, टेम्पलेट से बाइंड कराना है आपको इस प्राइमर को, सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। आगे बढ़े, सो वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप पूछ सकते हो कि सर आप दो प्राइमर क्यों बना रहे हो, टू सेट्स ऑफ प्राइमर वी आर डिजाइनिंग, और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा बेसिस। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि देयर इज अ थिंकिंग ऑफ एनवी कटर, और फिर मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, आई डोंट नो यार, मजा नहीं आ रहा। सो जो भी हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कर लीजिए सर। लेट इट बी फिनिश फर्स्ट, जो देख होता है जितना हो पाता है उसको करते हैं, ठीक है। गूगल मीट पे भी कर सकते हैं, लेकिन भाई रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। लाइव स्ट्रीमिंग भी तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि वहां पे हम लोग सब नहीं आ पाएंगे। एक चीज और है जो मैं आपको दिखा दूं, आप ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है कुछ, ये एनवी साइट से आपको, ये एक साइट है एनवी का, वहां पे दिखाया गया है कि कौन कौन सा, अगर आप रिस्ट्रिक्शन साइट यूज कर रहे हो तो उसके साथ क्या सपोर्टिंग बेस पर आप ऐड करोगे, तो कि आप सिंगल स्टेप में करें। अगर आप मान लिया जाए आप बार बार नहीं करना चाहते हैं क्लोनिंग, एक स्टेप क्लोनिंग करना चाहते हैं, तो यू हैव टू ऐड योर यू नो सपोर्टिंग बेस पेयर। आप ध्यान से यहाँ से नोट कर लीजिए, NB1 के लिए मैंने यही सब सपोर्टिंग बेस पेयर डाला है जो अभी हम आपको ले रहे हैं, दिखा आपको ये तो मैंने अभी स्क्रीन पे अभी जो बेस पेयर हाईलाइट किया वो आपको दिख रहा है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ये समझ में नहीं आया, क्या खोला है आपने अभी? अभी जो मैंने बोला इसको समझने के लिए आपको, रुकिए एक चीज और, लिसन वेरी केयरफुली ओके। हम कह रहे हैं कि अभी हम नेस्टेड पीसीआर करते आए हैं, अभी भी हमने दो सेट ऑफ प्राइमरी बनाया है। नेस्टेड पीसीआर का कॉन्सेप्ट पता है ना सबको, युवांग यू नो नेस्टेड पीसीआर, यस यस सर, यस सर, नेस्टेड पीसीआर इज अ टू स्टेप पीसीआर इन विच यू यू हैव टू प्रिपेयर एक्सटर्नल प्राइमर्स एंड देन थोड़ा सा अंदर जा करके बनाते हो वो इंटरनल प्राइमर। वो जो सेकंड वाला वो होता है वो आई थिंक हाँ स्पेसिफिक होता है क्या? ये इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, तभी तो तुम काट पाओगे और दूसरे जगह घुमा पाओगे, यही यस सर, अंदर वाले और बाहर वाले प्राइमर में जब नेस्टेड पीसीआर करते हैं तो अंदर वाले में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है और बाहर वाले में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। हम नहीं चाहते इतना कचड़ पचड़ करना, वन स्टेप क्लोनिंग करना चाहते हैं, एक बार प्राइमर बनाएंगे एक बार डाल देंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना बेटा, वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे आगे कुछ बेस पेयर ऐड करो, सपोर्ट करो मुझे ताकि मैं अच्छे से काट पाऊं, ये बात समझ पा रहे हो मेरी बात? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहता यस यस है कुछ सपोर्टिंग बेस पेयर दे दोगे हम अच्छे से काटेंगे तुमको, तो दैट्स मतलब कि जो एनबी कटर के जो डीप साइंटिस्ट हैं वहां पे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिसीजन लिया और कुछ न्यूक्लियोटाइड उन्होंने फ्रेम करके दिया है हम लोगों को, वो ए है। आई विल शेयर दिस पीडीएफ टू ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये दिख रहा है आपको पीडीएफ, ये फ्रीली अवेलेबल है, जब आप लिखोगे सपोर्टिंग बेस पेयर क्लीवेज साइट फॉर ना सिक्वेंसेज, तो ये सारे सिक्वेंसेज हैं जो कि आप जो यूज करोगे उसके लिए आप ले सकते हो। तो मैंने ND1 यूज किया है तो उसके लिए सपोर्टिंग बेस पर ऐड किया है, और एक और एंजाइम यूज किया था, क्या यूज किया था, XHO1 राइट, तो XHO1 में हम ये ऐड करेंगे।
थोड़ा इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं, थोड़ा तो क्लियर हो जाए। ये सपोर्टिंग बेस पर जब आप ऐड करोगे और नहीं ऐड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपको सिंगल स्टेप क्लोनिंग करनी है तो अगर आप ये नहीं डालते हो इसके आगे, देखो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये 5 प्राइम हुआ, ये 3 प्राइम हुआ, ठीक है? तो अगर फॉरवर्ड प्राइमरी यूज कर रहे हो तो ये ऐड करोगे, रिवर्स प्राइमरी यूज कर रहे हो तो इधर से ऐड करोगे, ठीक है? और अगर ये रिवर्स आप नहीं डालोगे तो लिख रहा है क्लीवेज परसेंटेज 2 घंटे में और 20 घंटे में। 20 घंटे मीन्स ओवरनाइट डाइजेशन लोग लगाते हैं, कोई लोग फास्ट डाइजेस्ट करके 2 घंटे में काट लेते हैं, कुछ लोग ओवरनाइट डाइजेशन लगाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है, कि वो कितना डाइजेस्ट करता है। तो देखो इसमें अगर ए भी साइड डाल लें तो भी, चाहे 2 घंटा हो चाहे 20 घंटा हो, इसमें कुछ भी सपोर्टिंग बेस पेयर कर लो, एक बार में आप नहीं कर सकते हो। पहला वाला जो एंजाइम है ACC1, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही देखो BAMH1 आप खाली इस साइड को डाल दोगे तो उतने अच्छे से नहीं कट करेगा, लेकिन आप जैसे ही ये 3 सपोर्टिंग बेस पेयर ऐड कर दोगे बेटा तो 90% क्लीवेज आपको 2 ही घंटे में दे देगा। ये बात समझ में आई? अगर ए बेस पेयर आप स्पेसिफिक ए बेस पेयर ऐड कर देते हो तो आपको अच्छे से वो काट करके दे देगा, समझ में आया? तो ए इसीलिए हमने ऐड किया है। और अब आपको फाइनली हम दिखाना चाहते हैं अपने प्राइमर में जो मैंने यूज किया है और जो हमने डाला है, ठीक है? 1 सेकेंड, सो स्नैपजिन में मैं ये खोल लूँ और आई वांट टू शेयर दिस। आपको ये दिख रहा है? दिख रहा है आपको ये? आपको एनडी ND1 दिख रहा है? ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत जल्दी मीटिंग खत्म होने वाली है 4 मिनट में, सो बी केयरफुल, क्योंकि खत्म कर रहे हैं इसको इसी में। देख रहे हैं ND1 की कटिंग साइड क्या है? ये है, देख रहे हो ध्यान से? यस सर। और ND1 की कटिंग की साइड जो है उसके आगे क्या क्या लगाया है मैंने, देखो प्राइमर में GGAATTCC, ये क्या है? सपोर्टिंग बेस पेयर है। अभी दिखाते हैं तुमको कि वही सपोर्टिंग बेस पेयर हमने यूज किया है या नहीं। देखो GGAATTC ये यूज किया है ना? देखो GGAATTC ये इसे इसलिए यस किया सर। क्योंकि इसी में ये प्राइमर से बाइंड कर रहा था, ये सपोर्टिंग बेस पेयर डाला है। आप डायरेक्ट एक बार में सीधे डेस्टिनेशन वेक्टर में एक बार क्लोन करो, एम्पलीफाई करो और डाल दो सीधे, ये एक बार में एम्पलीफाई होगा और एक बार में आप सीधे पेट में डाल दो, डेस्टिनेशन वेक्टर में डायरेक्ट क्लोनिंग कर सकते हो इस सपोर्टिंग बेस पेयर के थ्रू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो जोवन मैंने डाला, देखो जोवन की साइड क्या है, ये है XHO1 की साइड, ये है, इसके आगे मैंने क्या डाला, CC CCG। अब देख लो मैं फिर से आपको दिखाता हूं कि XHO1 के लिए क्या क्या सपोर्टिंग बेस पेयर था, है ना? CCG या CGG, गॉट माई पॉइंट? अगर आपको एक स्टेप में क्लोनिंग करनी है तो आपको सपोर्टिंग बेस पेयर आपको अपने प्राइमर में ऐड करना बहुत जरूरी है बेटा। विद दैट नोट आई थिंक आपको सर प्राइमर ये वर्क कैसे बहुत समझ करता है में आ। सपोर्टिंग बेस पेयर? हाँ सर इसको हमने ऐड तो कर दिया लेकिन ये वर्क कैसे करता है? वर्क कैसे करता है? अभी तो मैंने आपको बताया था बेटा, व्हाइट बोर्ड पे बताया था ना कि सपोर्टिंग बेस पेयर जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सामने दोगे वो कहेगा कि आओ आराम से बाइंड कर, क्योंकि सपोर्टिंग बेस पेयर नहीं दोगे तो उसको सीक्वेंस पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है, ओके सर, सीक्वेंस इसका मतलब दोगे ये तो उसको थोड़ा हाँ स्पेसिफिसिटी को प्रमोट करता है। यस स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करता है, कहता है कि तुम अब काटो आराम से, ओवरहैंग प्रोड्यूस कराता है, 6-7 बेस पेयर देने या 3 बेस पेयर 4 बेस पेयर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, फर्क ये पड़ता है कि उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है वो, क्योंकि कहता है अगर ओके सर। सिक्स, देखो हेक्सा कटर होते हैं रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, कुछ ऑक्टा कटर होते हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स होते हैं
अगर एक करके देखा गया कि अगर ए सीक्वेंस दिया गया तो जल्दी से जल्दी कट कर देते हैं, तो क्यों ना हम उन बेस पेयर को ऐड कर दें। एक न्यूक्लियोटाइड से को प्राइमर डिजाइनिंग में 20 रुपया लगता है एक बेस पेयर ऐड करने में। अगर 20 रुपया देने से, या मान लो कि 20 चौक 80, या मान लो कि कुछ और ज्यादा पैसा दे करके, हम कंफर्म तो है कि डाइजेस्ट कर देगा। एनबी का साइट पर दिया हुआ पीडीएफ है, इसलिए हम इस पर रिलाई करते हैं और इसलिए हम सपोर्टिंग बेस पर ऐड ऑन करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और ये सेशन यस कुछ सर, यस सर, सेकंड में, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और प्राइमर डिजाइनिंग में सर दिस संडे यू कुड अरेंज अनदर मीटिंग जस्ट लाइक दिस, नो नो नो, लेट अभी तो व्हाई देख नॉट? ठीक है, देखेंगे जैसा भी अवेलेबल होगा टाइम। बस मजा आया या नहीं आया, होप यू इंजॉय दिस सेशन। यस 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 थरली आया होगा एंजॉयड। ना, ओके है ना? बाकी जब बैठेंगे तो फिर करेंगे बातें। ओके चलो यस सर, यस सर। चलो, टेक केयर।